राम राम। कत दोस्ती का हाथ बढ़ा लो बेटे, आ जाओ। राम राम सीताराम सबको। राम राम सीताराम। तो आज मुझे गाड़ी लेके जाना है। हाँ हाँ, ओम को गाड़ी ले। वो फोन का प्रोजेक्ट था जिसमें ओम को ये गाड़ी दिखानी है। लेगो का, लेगो ले जाने का प्रोजेक्ट था। हाँ, तो ओम को, ओम तो लेगो का मास्टर है, तो ओम को तो लेगो लेके जाना ही होता है। आई को बाय बाय बोल दो। चलो आई को बाय बाय बोल। बाय बाय। गाड़ी चार्ज में होती है एवरीडे। मना सी उठे उससे पहले हम निकल जाए। रात को रख देंगे चार्ज पे, तो चार्ज फुल हो जाता है। आज हम अपना क्लास बहुत एंजॉय करेगा क्योंकि अपना लेगो लेके जा रहा है। और सुन, एक वीक के बाद हम कहीं जाने वाले हैं दिवाली के ऊपर थोड़े दिन के लिए। और एक तो ये है और दूसरा 26 को एक स्कूल का एग्जीबिशन है जिसमें हम लेके जाने वाला है उसका मेरा मोटराइज्ड लेगो। जो मोटर से खुद ने बनाया चलता है वो। राधा ये धूप है और बारिश आ रही है। इसमें शायद इसमें बूंदे नहीं दिखेगी लेकिन अभी बारिश आ रही है। सी उठ के खेल रहा है अपनी जगह पे। तो यहाँ पे धीरे धीरे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग के साथ। तो वापस दूध पीने के लिए चले जाना कि अभी घोड़ी इतनी प्रोटेक्टिव है कि वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाती है कोई भी बछड़ी के आसपास भी जाता है तो। और बछड़ी को अपनी लैंग्वेज में बोलती है कि मेरे पास रहो, दूर मत जाओ। आ जाओ दोस्ती करें। ये नहीं जाती नहीं। ये तो बहुत ही नादान है, एकदम चंचल और नादान है। तो ये भरोसा कर लेते लेकिन मम्मियां नहीं करने देती।
मम्मियाँ उसका करने के लिए। सिवा कैसे हो गया था हमारा? सिवा तो हमारे ऊपर डिपेंड था, वो हमारे पीछे ही आता था। हम आगे हम पिला रहे तभी वो दूध पी रहा है, इसलिए हमारे आस पास लेकिन सिवा इतना था। भाग गई, छुप गई मम्मी के पास। सोच रही है आज कौन आ गया हमारे घर के अंदर। એવડી પાટો નહીં કાલી પાટો કાં લાગે મારે તો ખાલી હા ઘણે રાખી બોલા મારે तो फिर इसको साथ दोस्ती होगी, धीरे धीरे दोस्ती होगी। अभी तो क्या है परी हजे वाक ने अंदर जाए तो आना करता वार लगे पकड़ो मो परी नी मुकावे जाए। आ जाओ दोस्ती दोस्ती का हाथ बढ़ा लो बेटे। आ जाओ कलर मांगे ઘોડી ના કલર થઈ ગયો પછી આવે એવા છે આ કંદર પર બે ત્રણ દિન વાહે મથું પણ એટલે આવો આપણે તાર પાસે તું જરા પાસે એટી તાર વાગે આવ્યો એ મંડાણે એને આ નો આવવા દેતી હા। यहां पे रूप और भारती की दोस्ती अभी धीरे धीरे हो रही है। पहली बार इतना दोस्ती आई ये अपने आप जब आते हैं ना तो बहुत ही विश्वास के साथ आते हैं। हम उठाएंगे तो ये डर जाती है। नहीं करती इतनी ढोर नहीं करिए रोगी बैठी रहे ना एटली आगने तुमने चेक करवा आई है। आ जाओ वापस आ जाओ चलो। फिर भी आई ना पहली बार मेरे पास इतनी अभी लग गई है भूख। अभी कल आएंगे वापस। ये ट्राई ना ओम को भी करवाइए, ओम को बहुत अच्छा लगेगा। ये पास में आएगी ना ओम के, रोज जब ट्रेनिंग करेंगे तो कर सकते हैं थोड़ा मतलब 10-15 मिनट के लिए इसके साथ टाइम स्पेंड कर। मम्मी को भी आदत होगी कि मम्मी का विश्वास जीतना पड़ेगा कि पूरा अकेले ऐसे ही छोड़ देंगे आएंगे नहीं तो फिर वो नहीं विश्वास करेगी। तो थोड़ा थोड़ा एक बार विश्वास हो जाए कि ये सारे लोग रूप को कुछ नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ लास्ट चार दिन से अराउंड 2 बजे बारिश आ जाती है और आसपास के आई थिंक सभी जगह यही है हाल।
अभी मूंगफली को भी ये नुकसान कर रही है। हमारे वाली मूंगफली जो है वो उसको 4 महीने और 4-5 दिन हुए, बाकी कुछ लोगों की जैसे जेता भाई है तो उनकी मूंगफली को अभी 5 महीने होने को। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो मूंगफली में 100% नुकसान जाएगा, 100% तो नहीं लेकिन 90% या 80% नुकसान जाएगा। गायों का चारा भी नहीं रहेगा पशुओं का, और मूंगफली भी हाथ में नहीं आएगी। और ये बारिश अभी इतनी नुकसान कर रही है क्योंकि ये फसलें अभी निकालने के लिए हैं, रेडी है, और ये बारिश में निकल नहीं सकती क्योंकि ट्रैक्टर अंदर नहीं जाएगा और मूंगफली ऐसे ही सड़ जाएगी ज़मीन में। इस तरह का पहले तो शायद कभी नहीं हुआ है कि 4 महीना, जैसे जून में बारिश थी, जुलाई के 21 से 30 में बारिश थी, अगस्त के 21 से 30 में बारिश थी, सितंबर के 21 से 30 से बारिश थी, और अभी ये अक्टूबर में चल रही है। और आज है 22 तारीख और बारिश आप देख रहे हो सब जगह, पूरे एरिया में इसी तरह से है, सब साइड से। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन है, ये लास्ट 4 दिन से 2 बजे के आसपास बारिश आ ही जाती है और 5-6 बजे तक चलती है, पानी भर देती है इतना, और फिर दूसरे दिन आती है। अभी भगवान ये क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इतनी ज़्यादा बारिश सारे किसानों के लिए बहुत ही टेंशन वाली बात है। हमारी 5 महीने की जो मेहनत है वो ऐसे ही खेतों में अभी पड़ी हुई है, ऐसे फेल हो रही है, तो देख के बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो बस कुछ करके भगवान ये बारिश को स्टॉप कर दे, क्योंकि किसान का सबसे ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट होता है तो सिर्फ भगवान पे होता है। कुछ एक्सपेक्ट भी करता है तो भी गवर्नमेंट से ज़्यादा वो भगवान से एक्सपेक्ट करता है कि भगवान ध्यान रखेगा किसानों का। जो मैंने बोला वही बोला तुमने भी, शायद वही बोला होगा क्योंकि सभी का दर्द एक जैसा है ना, इसलिए किसानों को नुकसान ये सब बोल रही है। मैं भी वही बोला, वही बोला है। लेकिन ये कंप्लेन किसी से नहीं कर रहे, भगवान वो तो कंप्लेन लेता नहीं है वैसे। लेकिन हमारी बात लेता है ना, सिफारिश लेता है ना कुछ। लेकिन अभी मैंने क्या किया, अभी मैं पापा को बोल रहा था कि अभी क्या करेंगे, गायों का चारा ही लगाएंगे मैं, क्योंकि मूँगफली का चारा बहुत खराब होने की अभी चांसेस बढ़ रहे कि खराब होगा, फिर भी हम बाय करेंगे दूसरा भी। और खेतों में अभी ज़्यादातर अभी नेक्स्ट जो भी लगेगा उसमें गायों का चारा ज़्यादा लगेगा। कितनी किसानों को तो ये नुकसान झेलना पड़ता है हमेशा, इस बार इतनी ज़्यादा है, और वो आगे भी झेल लेंगे क्योंकि खेती करनी है तो इसके लिए तैयारी रखनी पड़ती है, कुदरत के साथ ही खेल होता है। कोई इंसान हमारा नुकसान नहीं कर सकता किसानों का, लेकिन कुदरत है तो वो तो पता नहीं, इसमें भी कुछ फायदा ही होगा आगे जाके। इस बार इसके बाद फसल अच्छी होगी, पानी की कमी नहीं आएगी पूरे साल एक तो, और कुछ और बो देंगे क्योंकि खेत है तो जान है तो जहान है, और कुछ बोल नुकसान तो भी है क्योंकि लाखों का माल ऐसे खेत में बिखरा पड़ा है और वो ऐसे ही खराब हो जाएगा। और सभी को ये एरिया में सभी को नुकसान है, और हम बार बार नहीं रोते रहते कि नुकसान है नुकसान है, कभी कभार एक बार वीडियो में बोल देते। भाई नीना दे दीजिए नहीं आकर, चेता भाई भी आए हुए अभी बाहर, डुबंग 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 ऐसे हो रहा है अभी बाहर बहुत ज्यादा जोता कै किलो होगा जी। अभी बारिश कम हो गई लेकिन ये आवाज है ज्यादा, बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही है। और कितनी बारिश, अभी नहीं चाहिए इतनी ज्यादा बारिश, जा नहीं रही है ना बारिश अभी। अभी बारिश को बोलो अगले साल आना, अभी खत्म हो गया है मानसून, खत्म हो गया है। रोज इस साइड इतनी ज्यादा, अभी देखो इसका नजारा तो कुछ और है ब्यूटीफुल, लेकिन बारिश अच्छी नहीं है। सेब का क्या है, प्रॉपर देसी तरीका है इसका खाने का, जैसे ही शाम को या दोपहर को बोलते हैं कि चलो खाना खाते, तो इसका प्रॉपर देसी मुंडे वाला जो तरीका है खाने का वो इस तरह से इसकी थाली बन जाती है और ये बैठ जाता है और इस स्टाइल में बैठता है और अकेला खाने लग जाता है अपने आप। और ये
इंसान है जो खाने में इतना फंसी है कि दूसरे काम में बिजी रहता है, खाने के ऊपर ध्यान नहीं देता। और एक ये है जो सबसे पहले खाने में ध्यान देता है। अभी कुछ देख रहा था लैपटॉप में कार्टून वगैरह, जैसे ही मैंने बोला कि चलो, तो मुझे बोला कि बंद कर दो लैपटॉप और ये खाएगा। अभी दूध भी अपने आप पिएगा। एक बार खाने से उठ गया, बोलेगा बस, उसके बाद नहीं खाएगा। अभी ये रोटी और दूध खा रहा है बाजरे की, और साथ में सब्जी भी खाता है। लेकिन यहाँ से उठ के गया, फिर वहाँ पे हाथ धोने जाएगा, फिर यहाँ पे हाथ साफ करने जाएगा। और कर लिया इसने खाना, मतलब डिनर हो गया शिव का। तो रामदेव ना अपनी प्यारी बछड़ी के लिए बहुत बहुत मेहनत कर रहा है। तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मैं ऐसे बैठ के नारियल निकाल रहा हूँ उसे। शिवानी के लिए निकालते थे, बड़ी शिवानी, उसको बहुत नारियल खिलाए। उसके लिए मैं हाथ से चूरता था, चूरमा भी बनाता था, तो हाथ से बनाता था अपने। और इसके लिए भी आगे बनेगा, घी गुड़ अब आ गया है। अभी तो ये उसकी मम्मी के पेट में जाता है, वहाँ से फिल्टर होके जाता है। रामदेव भी बोला था कि दूध ज्यादा आए जितना इतना अच्छा है, रूप का टमी फूल हो जाए और हेल्दी। और बहुत अलग अलग है सब, मतलब जो भी बछेरा बछेरी घोड़े घोड़ी तैयार करते हैं, तो क्या करते हैं कि उसको दूध पिलाते, बकरी लाते वगैरह, गाय का दूध भी पिलाते। लेकिन मेरे हिसाब से 6 महीने का बच्चा होना तब तक उसकी माँ का दूध सबसे बेस्ट है। अगर घोड़ी में नहीं है या तो घोड़ी नहीं है साथ में बच्चे के, तब दूसरा दूध ऑप्शन है। लेकिन अगर घोड़ी में दूध है तो उसका दूध बढ़ाने के लिए गुड़, हाँ। कोकोनट बहुत फायदा करता है इसको और दूध बढ़ता है। वैसे तोरल में बहुत ज्यादा दूध है। और घोड़ी मैं बता दूं आपको, कुछ कुछ घोड़ियां दिन में 20 लीटर तक दूध भी करती है, और तोरल में मुझे लगता है 16-17 लीटर दूध है पक्का। और वो मतलब कैसे, एवरी 10 मिनट में दूध पीता है। हाँ, और दूध पीता है एवरी 10 मिनट में। और हमने तोरी का मतलब दूध निकाला था, बोतल भरा था, जब शिवा बहुत मतलब वीक हो गया था ना, तो उसको पिलाने के लिए बोतल भरा था, तो तुरंत भर गया था बोतल। हमें लगता है कि दूध नहीं होता है इतना, बहुत दूध है। लेकिन तुरंत भर गया था। नहीं, क्योंकि ये पता ही नहीं चलता, कंटिन्यूअसली पीते। तो फिर लेट नाइट मैंने और हमने मिल के, ये उनका प्रोजेक्ट था, ट्रेन बनानी थी स्कूल के लिए। सारे हमारे देश के जितने भी राज्य है वो इतने इस साइड में है, इतने दूसरी साइड में भी। तो हमारे व्यूअर्स ना ये सारे स्टेट्स में से होंगे डेफिनेटली, दूसरी साइड भी दिखा दी। दोनों साइड लिखा है, शिव सो गया है, रामदेव का भी थोड़ा सा हेडेक था तो सो गया है, और अभी बस ये हो गई हमारी ट्रेन रेडी, बहुत ही अच्छी बनी। नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उड़ीसा, वो सभी जगह से हमारे कोई ना कोई तो व्यूअर्स होंगे। और ये ट्रेन थोड़ी थोड़ी चलती भी है, हाँ, इसे खींचे तो मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेन बनाई हुई है ना, अच्छी है। हाँ चलो, हाँ यस, चलो सो जाना।